नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हाउ टू कॉन्सेंट्रेट ऑन स्टडी। हम अपनी स्टडी पे कॉन्सेंट्रेट कैसे करें। तो दोस्तों, एज ए टीचर मैं मेरे स्टूडेंट को जो एडवाइस देता हूं, इधर आके मैं आपको वही मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूं। उम्मीद करता हूं कि मेरी बात आपको अच्छी लगेगी। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपको ये बात बोलना चाहती हूं कि अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिएगा सब्सक्राइब, और साथ ही साथ कर दीजिए नोटिफिकेशन बेल को ऑन, क्योंकि इस चैनल पर आपको एडुकेशन, मोटिवेशन और साइंस इन्फॉर्मेशन वीडियो मिलती रहेगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, क्या होता है ना, हम जब बहुत बार पढ़ने की कोशिश करते हैं लेकिन पढ़ते हैं, क्या होता है, हम मान लीजिएगा कि आप कोई भी मैथ या फिजिक्स या केमिस्ट्री कोई भी किसी भी बुक का आप एक चैप्टर अच्छे से पढ़ना शुरू करते हैं, लेकिन एंड तक आप पढ़ के आते हैं, लेकिन आपको पता नहीं चलता वो खत्म हो गया। आपको लगता है खत्म हो गया, लेकिन आपको कुछ आपको दिमाग में नहीं गया, मतलब आपने जो पढ़ाई किया वो आपको दिमाग में नहीं रहा कि आपने पढ़ा। बहुत बार आपके साथ ऐसा होता है कि आपने पढ़ना शुरू कर देते हैं, ख़त्म भी कर देते हैं, लेकिन आपको पता भी नहीं चलता कि आपने क्या पढ़ा, क्या याद रखा, आपको कुछ पता नहीं चलता, लेकिन वो ख़त्म हो जाते हैं। दोस्तों, ऐसा मानेगा इंडिया में क्या है, इस देश दुनिया में जितने भी स्टूडेंट हैं, हर कोई के साथ ये हादसा कभी ना कभी हो चुका है, होता भी है। कि दोस्तों, यही है ब्रेन की एक नेचर, जिसकी वजह से क्या होता है ना, हम मैक्सिमम स्टूडेंट स्टडी पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकते। दोस्तों, एक ऐसी तरीका है कि आप थोड़ी सी भी आपकी स्टडी पे कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं। क्या दोस्तों, मैं जो बताता हूँ ये 100% लॉजिकल ही है। दोस्तों, आप मेरे बात को यकीन कीजिएगा। क्या होगा ना दोस्तों, अगर आप पढ़ने से पहले 2 या 3 मिनट मेडिटेशन करेंगे, मेडिटेशन मतलब आप अपनी मन को स्थिर करेंगे, मतलब आप सांस पे फोकस करेंगे 2 से 3 मिनट सांस पे फोकस करके। दोस्तों, क्या होता है ना कि हमारा दिमाग में बहुत सारी थॉट हमेशा चलते रहता है, फिर हम जब पढ़ना शुरू करते हैं, हम पढ़ते तो है लेकिन वो थॉट प्रोसेस चलते रहते हैं। दोस्तों, हमको क्या करना चाहिए, जब हम पढ़ना शुरू करेंगे तो हमको वो जो थॉट प्रोसेस है उसको बंद करना चाहिए, और उसे बंद करके हम जो पढ़ते हैं उसे याद रखना चाहिए, जिसकी वजह से क्या होता है ना, हम अपनी स्टडी पे कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं। मेडिटेशन करने से क्या होगा, आपका जो पूरा फोकस है, मतलब आपका जो थॉट प्रोसेस है, बहुत हजार करोड़ लाखों थॉट प्रोसेस चल रहे होते हैं, अगर आप थोड़ी सी भी मेडिटेशन करेंगे तो क्या होगा, उसकी मदद से आपकी थॉट प्रोसेस धीरे धीरे कम होने लगेगा, और कम होते होते एकदम कम हो जाएगा, एकदम तो नहीं कम होगा लेकिन धीरे धीरे कम होता जाएगा, जिसकी मदद से क्या, उसके बाद अगर मेडिटेशन करने के बाद आपका थॉट प्रोसेस कम होने के बाद अगर आप पढ़ाई करेंगे तो आपका जो स्टडी के ऊपर आप धीरे धीरे कॉन्सेंट्रेट कर पाएंगे और आपको याद भी अच्छी तरह से रहने लगेगा। दोस्तों, देखिए, बहुत लोग बहुत कुछ बताते हैं, लेकिन दोस्तों मैं जो बताता हूँ वो मेरी एक्सपीरियंस के बेस पे, ऐसा नहीं है कि मैं आपको कुछ लंबा चढ़ा बड़ा बताता हूँ, मैं एक्चुअल में वही बताता हूँ जो एक्चुअल में होता है। मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, स्टूडेंट लोगों के साथ भी ऐसा हुआ, एक करने से मैंने देखा है बहुत से स्टूडेंट को बहुत बार ही फायदा हुआ, वो मन लगा के पढ़ सकता है। लेकिन दोस्तों, आपको मेडिटेशन करना चाहिए पढ़ने के पहले, मतलब पढ़ने की 5-10 मिनट पहले आपको मेडिटेशन करके आपके दिमाग को पूरी तरह से रिलैक्स रखना चाहिए, फिर आपको स्टडी को पढ़ना चाहिए, जिसकी मदद से आपका स्टडी पे आप कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि मेडिटेशन कैसे करते हैं, मेडिटेशन का एक्चुअल मेडिटेशन के पीछे साइंस क्या है, दोस्तों अगर आप चाहते हैं तो मैं इसके बाद में अगली वीडियो में मैं मेडिटेशन के ऊपर ज़रूर बताऊंगा। दोस्तों, यही था दोस्तों कुछ बात, जो अगर आप यही प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो आप अच्छे से मन लगा के पढ़ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हो तो नीचे मेरा इंस्टाग्राम और ट्विटर का लिंक है, उधर जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं। हर बार की तरह दोस्तों, मुझसे जुड़े रहने के लिए और मुझे इतना प्यार देने के लिए आप सबका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया।